हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि स्मृति से सारी विपत्ति अपने आप शांत हो जाती है। विपत्ति जीवन में ना आवे ऐसा कोई उपाय नहीं है बंधु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, बहुत गंभीरता से सुनिए। विपत्ति जीवन में ना आवे, हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट ना आवे, ऐसा कोई उपाय ना तो किसी शास्त्र में वर्णित है, ना किसी पुराण में वर्णित है, कहीं भी नहीं है। और यदि आप ढूंढने के लिए जाओगे, ज्यादा अध्ययन करके प्रयास करोगे कि कुछ मिल जाए कि जिससे कोई संकट हमारे जीवन में ना आवे, तो एक ही उपाय है, केवल और केवल ठाकुर जी का नाम का आश्रय। भगवत नाम आश्रित हो जाइए, बस वही एकमात्र उपाय, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब आप विचार करो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की और जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग पीड़ाओं से दूर हो जाते हैं, जिस हनुमान चालीसा को गा करके लोग अपने आपत्ति विपत्ति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ऐसी हनुमान चालीसा की भी रचयिता कौन है? स्वयं श्री तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास जी का जीवन चरित्र देखो, क्या उनके जीवन में विपत्ति नहीं थी? बहुत थी। कहां तक कहें, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय मानस की रचना की, भारत में जितना विरोध तुलसीदास जी का हुआ उतना किसी का नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी ये कहते थे कि बताओ ये कोई साधारण सी गांव की भाषा में और इसने राम जी के चरित्र को लिख दिया, ये कोई ग्रंथ है, इसको स्वीकार नहीं करेंगे हम। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी मानस को लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के गर्भगृह में रात्रि शयन के समय पर मानस को वहीं रख दिया ठाकुर जी के पास में, विश्वनाथ भगवान के पास में, और हाथ जोड़ करके कहा, हे विश्वनाथ भगवान, मैंने किसी मानव को रिझाने के लिए इस ग्रंथ को नहीं लिखा है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैंने अपने आप को प्रसन्न करने के लिए लिखा है, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी प्रसन्नता के लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार स्वीकृति प्रदान कर दें कि मैंने जो रचना की है ये उचित है कि नहीं। मेरी कोई काबिलियत नहीं कि मैं लिख सकूं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो जो भाव आते गए मैं लिखता गया हूं, कोई एक सिग्नेचर तो हो जाए गुरुदेव का कि हाँ तुमने जो भी लिखा सब सही है, तो एक बार आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगा। विद्वान तो कोई इसको स्वीकार कर ही नहीं रहा है। ऐसा कहकर के तुलसीदास जी चले गए। रात्रि में मानस जी विश्वनाथ भगवान के पास में रखी रही, ऐसा कहते हैं। और भी जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ के धर्म शास्त्रों के ग्रंथ हैं वो भी रखे। प्रातःकाल जब ब्रह्म मुहूर्त में कपाट खोले तो सारे ग्रंथ नीचे सबसे ऊपर मानस रखी थी और उस मानस पर काशी विश्वनाथ भगवान का सिग्नेचर है। वो सिग्नेचर ये है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम कोई गीत नहीं है, ये काशी विश्वनाथ भगवान ने हस्ताक्षर किया रामचरितमानस के ऊपर कि आपने जो लिखा है हे तुलसीदास जी सत्यम, बिल्कुल सत्य है। दूसरा लिखा शिवम, शिवम का अर्थ होता है कल्याणकारी, इसको जो पढ़ेगा जो इसके आश्रय में आएगा उसका कल्याण हो जाएगा, शिवम। और आपने जितनी भी इसमें कथाओं का वर्णन किया है वो कैसी हैं? बोले सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। कहने का अभिप्राय बंधुओं, यदि आप ये सोच रहे हो कि संकट हमारे जीवन से चला जाए, कभी नहीं जाएगा। और अब अगली बात कह दूं, घोषणा कर दूं, तो कभी दरबार में गुरुदेव से और अपने ठाकुर से कभी ये प्रार्थना करना भी मत कि हमारे संकट दूर हों। संकट दूर कराने की इच्छा रखना केवल उस प्रकार है कि बालक विद्यालय जाता है और अपने टीचर से कहता है पढ़ा तो दीजिए लेकिन मेरा एग्जाम कभी मत लेना। बिना एग्जाम दिए बच्चा ठीक है, पैसे वैसे दे के पास तो हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्या होगी? पढ़ा लिखा अंगूठा टेके ही रहेगा वो जीवन भर,
जीवन में कभी कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाएगा, उन्नतियों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हमारी बात बहुत गंभीरता से सुनिएगा। ठाकुर जी से कभी प्रार्थना मत करो कि संकट दूर हो। अपने गुरुदेव से कभी प्रार्थना मत करो कि हमारे संकट दूर हो। ठाकुर जी से बस ये प्रार्थना करना, नाथ संकट हमारे जीवन में है, इस संकट से जूझने का बल आप हमको प्रदान करो, इससे लड़ने की शक्ति आप हमको प्रदान करो। बस संकट विपत्ति दूर हो ऐसी कामना कभी ठाकुर जी से मत करना। उसके पीछे कारण है, और वो कारण क्या है? एक भक्त को पेट का रोग हो गया, इतना भयंकर रोग हो गया कि महाराज वो पानी भी पीता तो सब प्रस्थान हो जाता। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो जगन्नाथ भगवान के दिन में 8 बार दर्शन करता था, लेकिन पेट के रोग की वजह से मंदिर ही नहीं जा पा रहा था। समुद्र के किनारे विलाप कर रहा था, भयंकर रोग हो गया था, मलमूत्र में सना हुआ पड़ा था। तभी जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उसके अंग पर लगे हुए मलमूत्र को ठाकुर जी अपने हाथ से पोंछने लगे। भक्त ने जब देखा, भक्त ने हाथ पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी आप क्या कर रहे हो? बोले तुम्हारा शरीर मलमूत्र में सन गया है, उसको साफ कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए नाथ, आप भगवान हैं, आप परम पवित्र हैं, मेरे तन के मलमूत्र को आप साफ क्यों कर रहे हैं? बोले क्यों, भक्त मेरी सेवा करता है तो मैं भी भक्त की सेवा कर सकता हूं। बोले आपकी बात ठीक है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा रोग ही दूर कर दो। जब आप इतने ही सामर्थ्यवान हो तो मेरा रोग दूर कर दो, मेरे मलमूत्र को साफ क्यों कर रहे हो? मुझे ठीक कर दीजिए, स्वस्थ कर दीजिए। भगवान बोले स्वस्थ नहीं करूंगा। भक्त ने पूछा क्यों? तब इतना सुंदर उत्तर ठाकुर जी देते हैं, सबको सुननी चाहिए यह बात, आप इसके बाद कभी नहीं कहोगे कि हमारे दुख दूर करो। ठाकुर जी कहते हैं देखो, मानव के जीवन में वो जो कुछ भी भोगता है वो सब अपने प्रारब्धों से भोगता है, और प्रारब्ध जब पूरा भुग जाएगा तब ही वो मेरी प्राप्ति कर पाएगा, उससे पहले मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि व्यक्ति कहे कि मेरे संकटों को दूर कर दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके प्रारब्ध से जो उसको भोगना था वो नहीं भोगा, और यदि वो नहीं भोगेगा तो मेरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। भगवान कहते हैं अभी यदि मैंने तुम्हारा रोग ठीक कर दिया तो प्रारब्ध तुम्हारा इकट्ठा रहेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में भोगने के लिए तुमको आना पड़ेगा, क्योंकि ये तो संसार का नियम है। जब तक हमारे पाप पुण्य दोनों हम भोग नहीं लेंगे तब तक हमको वैकुंठ नहीं मिलेगा। जब दोनों शून्य नहीं हो जाएंगे जब तक, तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। और इसको शून्य यदि करना है तो आपको अपना प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं प्रार्थना ये करो कि बल मिले, ये मत करो कि दुख दूर हो, संकट दूर हो। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में संकट नहीं आते तो ऐसा व्यक्ति विचार करे कि वो वास्तव में जी रहा है कि नहीं जी रहा है। और मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं, किसी के जीवन में संकट आ जाए ना तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाना, क्यों? ठाकुर जी की नजर है आप पे, इसीलिए आपकी परीक्षा हो रही है। और जिनकी कभी परीक्षा नहीं होती तो समझो ये बैक बेंचर्स हैं। जैसे क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं ना, टीचर ना उनको डांटता है ना उनसे कुछ कहता है, बोले क्यों ये पढ़ते लिखते तो है नहीं, पीछे ही पड़े रहो तुम। तो इसलिए संसार में जिनको दुख नहीं मिलता उनको ये समझ लो इन पे ठाकुर जी कृपा ही नहीं है, इनको ठाकुर जी ने छोड़ रखा, बोले तुम्हारे कुछ हो नहीं सकता, तुम पापी हो। लेकिन जिसको समय समय पर पीड़ा हो जाए, जिसको बात बात पर कोई ना कोई परीक्षा भोगनी पड़े, तो समझ जा रहा कि ठाकुर जी की हम पे दृष्टि है, इसीलिए बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। संसार एक दुखालय है और यहां हम दुख ही भोगने आए हैं, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन फिर भी जैसे मीराबाई के जीवन में दुख आया, लेकिन मीराबाई के जीवन चरित्र को आप पढ़ोगे तो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि मीराबाई कर्म पर हाथ धर के बैठी हूं कि हे नाथ ऐसा क्यों हो रहा है।
भक्त प्रहलाद के जीवन में दुख आया, खुद की सगी भुआ लेकर के चिता में बैठ गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा। खुद के पिता मारना चाहते हैं, इससे बड़ा दुख क्या होगा। लेकिन ऐसे प्रहलाद भी कभी चिंता करके बैठे हों ऐसा कहीं नहीं लिखा। इसके पीछे कारण क्या है, वही कारण यहां बता रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा कि देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं तजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। बहुत ध्यान से सुनो, यहां पर गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को एक सूत्र दे रहे हैं, दुख से बचने का सूत्र। पिताजी दुख से कैसे निवृत्त हुआ जाए, तो कहते हैं दुख जीवन में आने के दो कारण होते हैं, पहली तो अहमता और दूसरी ममता। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। बहुत सावधानी से सुनो, पानी सबके पास आ जाएगा, आप लोग यहां देख के कथा सुनो। आप लोग वहां पानी वाले उनको देखने लग जाते हैं तो मेरे को प्यास लगने लगती है, आप इधर ही देखो कथा सुनो। दुख के दो कारण हैं, इसको अपने हृदय पटल में लिख लीजिएगा। पहला दुख का कारण है अहमता और दूसरा दुख का कारण है ममता। अहमता किसको कहते हैं, अहमता कहते हैं अभिमान को। अहमता सदैव खुद में होती है और ममता सदैव दूसरों में होती है। ये दो ही दुख के कारण हैं। यदि व्यक्ति इन दोनों से बच जाए तो उसको कभी दुख का अनुभव नहीं होगा। पहली बात तो पिताजी अहमता का त्याग करें। हम अभिमान करते हैं, किस चीज का अभिमान, मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा गाता हूं, मैं अच्छा नाचता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैंने ये किया, मैंने इतने पैसे कमाए, मैं ऐसी जगह जॉब करता हूं, मेरे पास ये गाड़ी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, मेरा परिवार ऐसा, मैं ऐसा। रूप का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, यौवन का अभिमान, घर का अभिमान, संपत्ति का अभिमान, पुत्र पुत्री का अभिमान, पत्नी का अभिमान, परिवार का अभिमान, जाति का अभिमान, ये सारे अभिमान दुख के कारण होते हैं। पिताजी सबसे पहले तो व्यक्ति को अहमता का त्याग करना चाहिए, अभिमान का त्याग करे। क्यों, वो जिस रूप का अभिमान कर रहा है, आप विचार करके बताइए, कोई सुंदरता का अभिमान करे कितने दिन सुंदर बना रहेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, एक समय आएगा उसको देख करके भी लगेगा कि बताओ किसी समय में ये सुंदर था, लेकिन अब देखो इसकी स्थिति क्या हो गई। आपके बगल वाले नगर में तो इसी के ही पैसे खर्च किए जाते हैं कि हम जीवन भर सुंदर ही बने रहें। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि जो माताएं बहनें होती हैं ना, वो अपनी आयु 10-15 साल कम ही बताती हैं बड़े होने के बाद भी। एक बार महाराज जी अमेरिका गया मैं, तो वहां पर भी सिंधी परिवार थे, उन्होंने कथा कराई। तो एक माता जी एक दिन सिंधी कढ़ी बना के लाई, और माता जी की उम्र होगी लगभग 60 वर्ष, लेकिन वो बनके ऐसे रहती थी जैसे कि 22 वर्ष, बाल बाल बिल्कुल जो है बढ़िया, क्या बताएं, उसका रूप का वर्णन तो नहीं कर सकते हम, लेकिन ऐसी थी। तो जैसे ही वो आई, तो वो मेरा शुरुआती दौर था, अब तो कोई मिले तो या तो माता जी कहते हैं या बहन जी कहते हैं। तब गलती से मेरे मुंह से आंटी निकल गया, वो ना माता जी ना तो कथा में आई,
और ना फिर मुझसे मिलने आए। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भैया वो एक माता जी एक दिन सिंधी कढ़ी बना के लाई, वो आई क्यों नहीं, पूछो तो। फोन करवा के पूछा तो बोली वो नाराज हो गई है कि ये पंडित जी जो कथा करने हैं इन्होंने हमको आंटी कैसे बोल दिया। तो जिनसे हमने फोन करवाया मैंने कहा उनकी उम्र कितनी, बोले महाराज जी सब दुखी हैं, उम्र तो उनकी 60 साल है लेकिन हम सबको उनको बहन जी बोलना पड़ता है या फिर उनका नाम लेके बुलाना पड़ता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको आंटी कहे। किस बात का अभिमान करते हैं हम, आज सुंदर हैं कल नहीं रहोगे, आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, एक दिन सबकी स्थिति ऐसी हो जानी है। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान आप तब कर सकते हो कि आप अपने रूप से कह दो अब सदा सर्वदा तुम सुंदर बने रहना, कभी कुरूप मत होना, मानेगा आपकी नहीं मानेगा। बालों से कहना अब हम डाई नहीं करेंगे, अब तुम काले ही बने रहना, नहीं मानेंगे, काले हो जाएंगे। अपनी चमड़ी से कह दो तुम सदैव वैसी कसी रहना, कभी झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए, नहीं मानेंगी, एक दिन झुर्री पड़ जाएंगी। हड्डियों से कह दो तुम सदैव स्वस्थ रहना, लेकिन एक दिन लड़खड़ा ही जाएंगी। जब ये शरीर आपकी मानता ही नहीं है तो फिर इस पर अभिमान क्यों? ये शरीर आपके वश में ही नहीं है तो फिर इसका अभिमान हम क्यों करते हैं? एक पंक्ति है, बहुत प्यारी पंक्ति है, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से, मैं नहीं मेरा यह तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है यह धन किसी का है दिया, हमारा नहीं है, ठाकुर जी ने हमको दिया है। एक बात बताएं, ये मानव क्यों बनाया भगवान ने? मौका दिया है हमको 84 लाख योनियों से बचने के लिए, पापों से निवृत्त होने के लिए। हमने अपने पूर्व जन्म में जितने पाप किए, जितने दुष्कर्म किए, जितने दूषित कर्म किए, उन सब से निवृत्त होने का ये मौका मिला है कि हम लोग मानव बने हैं। कुकर सुकर चीटी छिपकली आदि ये सारी योनियां हैं, ये सब अपने पाप की वजह से इन योनियों में पड़े हैं, लेकिन हम मानव हैं इसका मतलब हमको मौका मिला है। बच जाओ, समझ जाओ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि तुम मानव हो, तुम कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो, वृंदावन जा सकते हो, कथा सुन सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो, लोगों की सहायता कर सकते हो, परोपकार कर सकते हो, ये कोई नहीं कर सकता, केवल मानव कर सकता है। मानव को कभी अपने ऊपर अभिमान नहीं, हां ठाकुर जी ने मुझे मानव बनाया इसका स्वाभिमान करो और इससे सेवा करो, अभिमान नहीं। पिताजी यदि सुखी रहना है जीवन में, सबसे पहले अभिमान का त्याग करो, अहमता। अभिमान करने का अधिकार तब है जब कोई वस्तु आपके वश में है, जब आप खुद ही अपने वश में नहीं हो। उल्लासनगर में हमारे पूज्य पिताजी की एक दो बार कथा हो चुकी है, 93-94 में, शायद 93 में 3 बार, और दास का जन्म 96 का है तो उससे पहले पिताजी उल्लासनगर आ चुके हैं। तो उल्लासनगर का मुझे स्मृति में नहीं है, लेकिन एक परिवार है, शायद वो आए, उनको पता चले तो। वो अभी कुछ साल पहले हमारी कांदीवली में कथा थी, वहां आए थे, हम उल्लासनगर से आए, मन का अच्छा। तब वो बता रहे थे, बोले ठाकुर जी जब कथा करने आए उसके बाद जब आपका जन्म हुआ तब हम आपके घर आए थे, आपको गोदी में खिलाया था, आपको ऐसा ऐसा करके बता रहे, बोले अब आप व्यासपीठ पर बैठे हो। तो ये बात में क्यों स्मृति, शायद वो कल परसों में उनको पता चले तो आए, मैं अभी जानता तो नहीं हूं उनको, लेकिन आज वो देख करके आश्चर्य करते हैं, बोले ये जो व्यास जी बैठे हैं इनको हमने गोदी में खिलाया है।
कई जगह हम कथा करने जाते हैं, वहां पिताजी के शिष्य आते हैं, उन सबने मुझे गोद में खिलाया, लेकिन अब मैं कहूं गोद में खिला लो मुझे, अब स्थिति नहीं है ना। परिवर्तन होता रहता है शरीर का, संसार का, ये वश में कभी नहीं रहेगा। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि हर क्षण में हम लोग अपनी मृत्यु के पास जा रहे हैं। ये परिवर्तन हमारे अंग प्रत्यंगों का, शरीर का, बुद्धि का, मन का, ये इस बात का प्रतीक है कि तुम और मैच्योर नहीं हो रहे हो और मृत्यु के समीप जा रहे हो। हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। जैसा मैं आज हूं वैसा कल नहीं था, जैसा आज हूं वैसा कल नहीं रहूंगा, और जैसा कल रहूंगा वैसा 10 साल बाद भी नहीं रहूंगा, हर समय बदलता रहूंगा मैं। तो जो परिवर्तनशील शरीर है उस पर अभिमान क्यों करना? इससे अहमता का त्याग करो, अभिमान छोड़ो। और दूसरा पिताजी काम करना है, यदि सुखी रहना है तो इस शरीर के जितने संबंधी हैं उनमें जो ममता है उस ममता का त्याग करो। कई लोग होते हैं उनको खुद में अभिमान नहीं होता, लेकिन अपने बच्चे पर बड़ा उनको गौरव होता है, बड़ा ममता होती है उसके प्रति। संसार में कोई अपना नहीं है बंधु, ये सब केवल व्यवहार मात्र है। यही तो संसार है कि वो जन्मा है इसलिए हमारा पुत्र है, हमारी पुत्री है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हमारा खानदान है, लेकिन कोई अपना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, उस पद की केवल भावार्थ समझिएगा, क्या कहते हैं सूरदास जी, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाए, ता दिन तेरे तन तरुवर के सब ही पात झड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, जा दिन मन पंछी उड़ जाए। जिस दिन हमारे भीतर बैठी जो आत्मा है वो उड़ गई, जब हंस अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। स्वयं से अहमता का त्याग और अपनों से ममता का त्याग। सूरदास जी उसी पंक्ति में आगे कहते हैं, पत्नी हाथ पकड़ करके 7 फेरे लेती है, और 7 फेरों में क्या कहती है, हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे, अगले जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बन के आऊंगी, आप मेरे पति बन के आना, आदि आदि जो भी नियम होते हैं, जिनके ब्याह हो गए उनको पता होगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जई, मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं संसार में किसी की मृत्यु नहीं होगी, सबकी होगी। एक बार एक सौभाग्यवती नारी का दुर्भाग्य रहा और उसके पति उसको छोड़कर चले गए, बहुत रोई बिचारी, मेरे पति कहां चले गए, बहुत रोई, लेकिन फिर परिवार के लोगों ने जाकर के उसका संस्कार कर दिया। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां है, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया, उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले, ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। बहुत महीनों तक विलाप करती रही कि मेरे पति कहां है, लेकिन जैसे तैसे ठीक होने लगी। परंतु एक दिन आया,
उसके पति ने यमराज से प्रार्थना करी, मेरी पत्नी बड़ी दुखी है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी पत्नी से मिलने जाना चाहता हूं। तो यमराज बोले ठीक है, जाओ अपनी पत्नी से एक बार मिलाओ। पत्नी बेचारी रात्रि में सोई थी, इतने में ही ऊपर पंखा घूम रहा था, तभी गौर से देखा तो पंखे के ऊपर पतिदेव बैठे थे। पत्नी की स्थिति क्या हुई? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासर होकर सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा, जल लेकर के आवे, छिड़काव करे, भागो यहां से, आ गए भूत पिशाच। पत्नी घबरा गई उसको देख करके, पंडित जी के पास गई, महाराज मेरे घर में आकर के कुछ करिए। बोले क्यों? बोले हमारे पतिदेव की मृत्यु हो गई है, इतने महीने पहले, इतने साल पहले, वो कल पंखा पे लटके दिखाई दिए रात को हमको। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रिय तमसो प्रीति घनेरी, मृत्यु के बाद सो देख डर जई हैं। तो फिर ये ममता किससे कर रहे हो आप? मृत्यु होने के बाद पत्नी बच्चे खानदान परिवार सब रो भले ही रहे हैं, लेकिन यदि आप दोबारा उठ के बैठ गए ना तो सब भाग जाएंगे वहां से, क्योंकि उस समय भय लगता है कि अब तो ये चला गया, अब नहीं आ सकता, और यदि चमत्कार से आ भी गए तो सब भय के मारे भाग जाएंगे। सूरदास जी कहते हैं, जिससे भय लग गया एक बार भी तो ये बात निश्चित है कि वो कभी अपना था नहीं, इसीलिए भय हुआ। ऐसा कौन है जिससे कभी भय नहीं लगता? तब सूरदास जी अगली पंक्ति कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपना, जासों की रती रही। तो भैया को चोट तो नहीं लगी जो गिर गए थे? ठीक है, आप ही गिरे थे, ठीक है भैया। बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी से कभी डर लगेगा? कभी डर नहीं लगेगा। मान लो आप सो रहे हो रात्रि में, अंधेरा कमरा है, और उसी समय नील वर्ण आपको दिखाई देने लगे और चंदन की सुगंधि नासिका में आने लगे, रुम झुम पायलों की झनकार आने लगे, तभी नेत्र खोल करके देखो, मोर मुकुट पीताम्बरधारी द्वारिकाधीश सामने खड़े हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल खड़े। भय लगेगा क्या? नहीं लग सकता। ठाकुर जी से कभी भय नहीं लग सकता।